प्रार्थनाओं में बाधाएं भाग एक, रिश्तों का महत्व। आज की प्रभु वाणी में हम देखेंगे उन बाधाओं को जो हमारी प्रार्थना में विघ्न लाता है। मत्ती 5:23-24 में यीशु मसीह कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई या बहन के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने उससे मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यह वचन साफ है कि परमेश्वर के सामने वह सोच पहले आती है जिस व्यक्ति से आप नाराज हो या किसी के साथ मतभेद है। यह जरूरी है समझना कि परमेश्वर आपको बेहद चाहता है और नहीं चाहता कि आप उससे दूरी बनाए रखे, पर आपका जीवन हर वक्त तैयार हो परमेश्वर के करीब आने के लिए। अगर हमारी सोच सही है और हम अपने आप को परिपक्व या सहाने समझते हैं, तो जानेंगे कि सबसे पहला रिश्ता कौन सा होना चाहिए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना प्राथमिकता है, तो सारे रिश्तों को हम परमेश्वर में जीत सकते हैं। और यह भी कि किसी व्यक्ति के साथ मैं किसी भी प्रकार के मतभेद, नाराजगी या झगड़े में ना रहूं। यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले परमेश्वर मुझसे नाराज था और उस नाराजगी को यीशु मसीह ने क्रूस की मौत से, उस सजा को मुझसे हटाकर मुझे प्रेम से जीत लिया। आज परमेश्वर नहीं चाहेगा कि हम नाराज या क्षमाहीनता के शिकार हो, पर यीशु मसीह का प्रेम जो मुझ पर हुआ है, मैं अपने विरोधी को जीत लूं। आज मेरी आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन में यह निर्णय ले कि मैं अपने और परमेश्वर के साथ रिश्ते के बीच किसी को इस प्रकार आने नहीं दूंगा और क्षमा करूंगा और क्षमा प्राप्त भी करूंगा कि मेरी प्रार्थना में विघ्न ना रहे। आओ हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप जो हृदय पर राज करते हो, हमारे जीवन से ऐसे हर व्यक्ति जो हमसे नाराज है, उनसे सुलह करने की संधि हमें दे और हम किसी भी प्रकार से ऐसी परिस्थिति में ना फंसे जिससे आपसे करीब होना असंभव हो। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी मध्यस्थता करें कि हम सही रीति से सुलह कर सके। यह प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से करते हैं। आमेन।